हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड की, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डेबिट कार्ड की किट है, ये काफ़ी दिनों पहले मुझे रिसीव हुई थी। मतलब कि अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो लगभग साल भर से ऊपर हो गया ये डेबिट कार्ड की किट रिसीव हुए। और इसके साथ में मैंने जो एक पोस्ट डाला था इससे रिलेटेड यूट्यूब पे कि मुझे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड जो रिसीव हुआ था काफ़ी दिनों पहले, लेकिन मैंने कोई अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह नहीं डाली क्योंकि उस टाइम जो है मैं अपने चैनल पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था। मतलब रेगुलर वीडियोस वगैरह नहीं डालता था, कभी कभी को जो डाल देता था, और ख़ासकर ये बैंकिंग से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो उस पर जो काफ़ी मुझे कमेंट ऐसे देखने को मिले कि आप जो इस पर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाइए इसकी, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, इस पर अनबॉक्सिंग वीडियो बन ही जाती है। तो मेरे पास जो इस वक्त डेबिट कार्ड था वो बैंक ऑफ बड़ौदा ही का था, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड जो वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो मेरा एक दोस्त यूज़ कर रहा है, उसको मैंने दिया यूज़ करने के लिए, वो यूज़ कर रहा है, अकाउंट भी वही यूज़ कर रहा है। और साथ ही दोनों मैंने डेबिट कार्ड बहरहाल यूज़ कर रखे हैं, यानी कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का भी डेबिट कार्ड यूज़ किया हुआ है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी वो डेबिट कार्ड यूज़ किया हुआ है। तो कौन सा डेबिट कार्ड है अभी मैं जो है इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा खोल के। वैसे तो मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे तो पहले से ही पता है। तो चले दोस्तों इसको जो अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है ये एक जो पैम्पलेट जिस पे कि क्या होता है, क्या क्या है। तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेरा दिया गया है, अब मैं एड्रेस को छुपा ही लूँ तो बेहतर है। तो एड्रेस क्या है अब देख लीजिए, एड्रेस को देख कर क्या करेंगे। मतलब ये तो मेरा दूसरा एड्रेस है, तो इस पर क्या है कि ये एक समझिए कि एक तरह का लेटर होता है कि हमारे डेबिट कार्ड की फैमिली में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये वो। तो खैर इसको साइड में रख देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों वो है, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, डेबिट कार्ड से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जिसमें जानकारियाँ होती है, वो ये है। ये एक तरह का ये भी पैम्पलेट ही है, तो इसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई होती है, तो वो बहुत अच्छा होता है। ये गिर रही है, हाँ तो ये है। तो देखिए दोस्तों इसमें एनुअल फ़ी और एडिशनल कार्ड की फ़ी वगैरह के बारे में जानकारी दी गई, तो आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ईयर के लिए तो फ्री है, उसके बाद जो है 100 रुपये प्लस GST का इस पर चार्ज है। लेकिन जो नो फ्रीज अकाउंट होते हैं या फिर जो है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं उस पर अगर आपको डेबिट कार्ड मिलता है उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं होता। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मैंने ये जो डेबिट कार्ड लिया है तो इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। वैसे अगर आप दूसरे अकाउंट पे लोगे तो 100 रुपये जो है आपको एनुअल चार्ज देना होगा, उसमें GST अगर आप 18% जोड़ोगे तो 118 रुपये का चार्ज होगा। और इसके जो है रिन्यूअल चार्जेस फ्री कुछ भी नहीं है, रिन्यू करा सकते हैं फ्री में आप। और कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए अगर आप इंडिया के अंदर है तो 200 रुपये पर कार्ड रिप्लेसमेंट का आपको चार्ज देना पड़ता है। और पिन जनरेशन के लिए तो पर पिन जनरेशन 150 रुपये बहुत ज़्यादा चार्ज है, दूसरे बैंक 50 रुपये लेते हैं। हो सकता है अभी कम किया गया, तो काफ़ी पुराना है आपको जैसे मैंने बताया। और अगर आप इस डेबिट कार्ड को बैंक ऑफ इंडिया के ATMs पे यूज़ करते हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप कहीं अदर बैंक के ATM पे यूज़ करते हैं तो फिर देखिए जो आपको ट्रांजेक्शन की लिमिट इस पर मिलती है वो मिलती है मेट्रो सिटीज़ के अंदर सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों शामिल होते हैं। पर मंथ आर फ्री ऑन मेट्रो ATMs, हाँ। और इसमें से जो है फिर से जो है नो फ्रीज अकाउंट हटा दिए गए हैं, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले जो अकाउंट होते हैं। और इसके अलावा मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं उसमें मैंने बता दिया कि उसमें सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलते हैं, उसके बाद चार्जेस हैं, अभी आपको चार्जेस भी बताऊँगा। और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही। तो उसके बाद से जब आप फ्री लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये सारी जानकारी आपको देता रहता हूँ, तो आपको जो चार्ज पड़ने वाले हैं फ्री लिमिट के बाद से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 20 रुपये प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 10 रुपये प्लस GST। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही कैश विड्रॉल करते हैं आप, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि ATM पिन चेंज कर लिया, फिर जो है आपने अपना बैलेंस चेक कर लिया, मिनी स्टेटमेंट वगैरह देख लिया, तो उसके लिए उस पर जो चार्ज वगैरह बताया गया है। रेलवे सरचार्ज भी है यहाँ पे, अगर आप काउंटर से जाकर टिकट वगैरह बुक करते हैं तो 2.5% आपको पड़ता है। सर्विस टैक्स भी उसमें होता है। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अगर बुक करेंगे तो उसमें आपको 1.8% रहेगा IRCTC.co.in से। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पता नहीं जो है कैमरे में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से तो साफ नहीं आ रहा होगा। और इसका जो ऑटो फोकस का भी प्रॉब्लम है, हालांकि मोबाइल से ही शूट करता हूँ वीडियो, सैमसंग का F50S है, कोई बहुत ऊंचा मोबाइल तो मेरे पास नहीं। हाँ,
इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लिमिट वगैरह की, तो इसमें आपको जो लिमिट मिलती है एटीएम कैश विड्रॉल की पर डे की 25,000 की लिमिट मिलती है, और बाकी आपको जो है जो परचेस की लिमिट मिलती है, परचेस ट्रांजेक्शन जैसे कि ऑनलाइन या फिर POS की जो लिमिट मिलती है वो 50,000 की मिलती है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन यानी कि पर कैश विड्रॉल में आप जो है 15,000 रुपये तक मैक्सिमम निकाल सकते हैं, और दूसरे बैंक के ATM से आप 10,000 रुपये तक मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और आप कैश विड्रॉल जो है पर डे डेबिट कार्ड से 4 बार कर सकते हैं, 4 बार की लिमिट है मैक्सिमम। तो यही सारी इसमें जो जानकारियाँ दी गई जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, लिमिट वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। और एक चीज़ गिर गई तो मैं उसको उठा लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये भी काम की चीज़ है, मतलब इस पर जो आपको जो ग्रीन पिन जनरेशन के बारे में बताया गया, सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी ATM में विज़िट करना होगा और वहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड इंसर्ट करना होगा, और उसके बाद आपको ऑप्शन चूज़ करना है सेट रीजनरेट पिन, और बाकी आपको अपनी डिटेल्स जैसे मांगते हैं वो आप एंटर करिए। मेरे ख्याल से आपका अकाउंट नंबर वगैरह मांगेगा तो अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, और उसके बाद जो है सबमिट करते हैं तो वो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा तो आपको OTP जो है एंटर करके सबमिट करना होगा, उसके बाद आप जो अपनी मर्ज़ी का पिन जो है जनरेट कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी का पिन सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो इसमें और क्या हमें मिलता है, डेबिट कार्ड सबसे लास्ट में दिखाऊंगा दोस्तों। ये जो है एक समझिए कि पूरा एक बुकलेट टाइप का एक छोटी सी जो है गाइड है, टर्म्स एंड कंडीशन इसमें जो दिया गया है पूरा टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ता है, लोग अपना सिलेबस ढंग से नहीं पढ़ते तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों ये है अपना मेन डेबिट कार्ड, और आपको अभी मैं डेबिट कार्ड दिखाता हूँ। ये जो है ये रुपए का डेबिट कार्ड है दोस्तों, रुपए का आप जैसे कि देख पा रहे होंगे रुपए का डेबिट कार्ड। और आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी, मेरे ख्याल से ये जो है आना चाहिए कैमरे के अंदर। तो ये रुपए का डेबिट कार्ड है, और उसमें आप एक चीज़ देखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये जो जन धन योजना के तहत मुझे डेबिट कार्ड मिला है, और मैंने 0 बैलेंस से ये अकाउंट ओपन किया है, जिसमें कि मुझे कोई भी मेंटेनेंस का चार्ज वगैरह तो आज तक नहीं देना पड़ा है। और पीछे क्या कुछ इस तरह से ये दिखता है डेबिट कार्ड, तो इसको आप देख लीजिए, इसमें कुछ खास है नहीं दिखाने लायक। और इसके साथ में एक ये मिलता है छोटा सा पैक होता है जो डेबिट कार्ड के लिए होता है, बैग होता है छोटा सा। हाँ तो इसमें आप इस तरह से अपना डेबिट कार्ड रख सकते हैं। तो डेबिट कार्ड जो है दोस्तों ये एक नॉर्मल सा डेबिट कार्ड है, मतलब रुपए का डेबिट कार्ड है, कोई इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं है, और बिल्कुल बेसिक सा क्लासिक सा डेबिट कार्ड है जिसकी आपने फ़ी भी देखी 100 रुपये है सिर्फ। तो ये तो मुझे जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिला है, मतलब मेरा अकाउंट 0 बैलेंस अकाउंट है, तो जिसमें मुझे बैलेंस वगैरह मेंटेन नहीं करने होते हैं, तो इस पर मुझे कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।